जोहार बात खेती की चर्चा परिवर्तन की कर रहे हैं तो आपको एक सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में बताएं भाई हमारे झारखंड में अधिकतर महिलाएं ज्यादा मेहनती होती है मानती हैं कि नहीं आप ये बात मानते हैं और इसी बारे में हम बात करने आ चुके हैं यहाँ सिंगारी में और हम खड़े हैं सुनीता देवी के साथ अपना एक परिचय दीजिए आपका क्या नाम है और कब से खेती कर रही है जी जोहार मेरा नाम है सुनीता देवी और मैं सिंगारी के हूँ मैं तीन साल से खेती करने जा रहे हैं ये बताइए आपको क्या क्या दिक्कत आता था, था पहले आपको पानी वानी सिंचाई के चक्कर में मेहनत ज्यादा लगता था और समय भी लगता बिल्कुल सही बात है और लेबर का काम है तो कई बार टाइम से हो नहीं हो, हो पता नहीं चलता हाँ। तो जब से ये स्टील का वाटर पंप आया है तब से क्या परिवर्तन आया जीवन में मेहनत भी कम लगता था, भी था। और कई जगह पर जैसे कुआं नीचे हुआ खेत बहुत ऊपर हुआ तो कितना फीट तक पानी टाल लेता है सौ फीट तक सौ फीट तक टाल लेता है पानी हाँ। तो अब इतनी बातें सुन ली हैं तो मुझे जरा सा बताइए तो सही कि काम कैसे करता है कहाँ है इसका स्विच वगैरह ये क्या है ये तेल डालते हैं अच्छा यहाँ पे तेल डालता है ओके और यहाँ यहाँ एक लीटर पानी डालते हैं पहले का जैसा यहाँ पानी नहीं डालना पड़ता है अच्छा इसमें मतलब पाइप में पानी नहीं में बस एक लीटर यहाँ डालिए हाँ। यह टान लेता है जी क्या बात है और यहाँ स्विच है ऑन करना पड़ता है हाँ। उसके बाद में टान खींच के स्टार्ट करेंगे बस क्या बात है।, बात है एक बार स्टार्ट करवा के देखना चाहिए आखिर वो पानी बहते हुए तो हम भी देखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करें जी आपने इतना सारा चीज बता दिया चला के दिखा दिया ये तो बताइए कि ये वाटर पंप आप लिए कहाँ से हैं? फ्लोरा टेक्स रांची फ्लोरा टेक रांची से लिए हैं? जी। क्या बात है जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहोगे स्टील का मशीन लेना चाहिए बहुत अच्छा है और समय भी बचता है क्या बात है समय भी बचता है लेबर भी कम लगता है और ज्यादा काम भी काम कर भी देता है ना यानी तुम भी मानती हो की स्टिल उपकरण लाइव परिवर्तन भाई स्टिल के वाटर पंप से हमने सुनीता देवी के खेतों में कैसे पानी जाता है ये तो देख लिया लेकिन सुनीता जी ये क्या है आपके यहाँ ये ब्रश कटर है ब्रश कटर हाँ। ये क्या काम में आता है ये धान गेहूँ और घास काटने का, का काम करता है अच्छा? आ, साथ ही घास निकालने के भी और मक्के में जो मिट्टी कोटते हैं वो कोड़ाई का भी काम करते है घास गेहूं धान काटता भी है घास निकालता भी है मिट्टी भी कोट लेता है एक बात बताइए कि ये जो है ये पेट्रोल से चलता होगा जी पेट्रोल से चलता तो है तो कितने लीटर पेट्रोल में एक एकड़ करने के लिए कितना लीटर पेट्रोल लगता है एक एकड़ करने के लिए तीन लीटर पेट्रोल लगता है और तीन घंटा में, में काम भी हो जाता है वाह और उसके पहले आपको कितना समय लगता था अगर लोग करते थे तो उससे पहले दस आदमी का काम लगता था और दिन भर भी बीत जाता था दिन भर बीतता था दस लोगों का काम अच्छा ये बताइए की आप इतना फायदा बता रही है तो पैसा भी बचता होगा जरूर हाँ पैसा बचता है कितना लगभग पैसा बच जाता है इसमें काम करवाने से आठ सौ बज जाता है पहले पच्चीस सौ लगता था पच्चीस सौ की लागत जो है वो सीधा घटकी हो जाती है आठ सौ रुपए की क्या कमाल की मशीन है तो हमने बातें तो कर ली थोड़ा सा चला के भी दिखाइएगा क्या जी तो चला के दिखाए उसके पहले ये तो बताइए कि इसको खरीदे कहाँ से आप फ्लोरा टेक रांची टेक रांची से जी क्या बात है भाई पूरे रांची के अलग अलग किसानों से तो हम लोग मिल चुके और सबके मुंह से हमने एक ही डीलर का नाम सुना फ्लोराटेक तो हम भी आ गए यहाँ रांची रेडियम रोड फ्लोराटेक के ओनर कपिल जी से मिलने और बात खेती की चर्चा परिवर्तन की करने बाय स्टील तो स्टिल इंडिया की तरफ से बात खेती की चर्चा परिवर्तन की के बारे में बात करने के लिए हम लोग फ्लोराटेक आ गए हैं और बैठे हैं कपिल जी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल जी सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्टील इंडिया के साथ जुड़ाव कैसा रहा और आप कब से इस बिजनेस में ये मैं एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर के बिजनेस में 2007 से हूँ मैं अपना स्टार्ट किया था कैरियर पहले ड्रिप इरिगेशन से बाद में मेरे फार्मर्स को जैसे जैसे चीजों की जरूरत होती गई मैंने उस तरह से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बिल्ड किया तो करीब uh, 2018 में मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरे किसानों को और थोड़ा मॉडर्नाइज होना है तो मैंने संपर्क साधा और का बना। okay. तो आपने स्टील इंडिया से जो है मेरा शुरू से ये हमेशा ये मानना रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट अगर फार्मर्स को दिया जाए बेस्ट सर्विस वाले प्रोडक्ट्स तो पूरे इस सेक्टर में स्टील इंडिया ही एक ऐसी कंपनी मुझे मिली जो कि पहले अपने किसानों डीलर्स को पहले सर्विस पे फोकस्ड है जी अगर आपके पास सर्विस सेंटर है तभी मैं स्टील का डीलरशिप दूंगा दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ स्टील वाओ एक्चुअली ये सही में बहुत अच्छी बात आपने कही है क्योंकि अधिकतर लोग सर्विस की वजह से काफी परेशान रहते हैं कि कहा सर्विसिंग कराई जाए करेक्ट तो ऑब्वियसली अब हम ये जानना चाहते हैं कि स्टील इंडिया के क्या क्या उत्पाद हैं हमारे पास क्या क्या रेंज है उन प्रोडक्ट्स की देखिए स्टील इंडिया का रेंज तो बहुत सारा है और ये पाइनियर है चेन कर, चेन कट में वर्ल्ड वाइड जी। लेकिन हमारे यहाँ हम अपने फार्मर बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड कस्टमर है जी। तो मैं एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ अभी इधर पिछले दो साल से जो है सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को भी मैं फोकस कर रहा हूँ तो इन्होंने प्रोडक्ट्स की बात बोल के तो बता दी लेकिन सर क्या आप हमें कुछ प्रोडक्ट दिखा भी सकते हैं हाँ जरूर तो स्टील के इतने सारे प्रोडक्ट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं पर सर एक सवाल मेरे मन में है अगर आपको एक चीज पिक आउट करनी होती स्टील के बारे में क्वालिटी से रिलेटेड तो तो इंजन है।, है और यूरो हम जानते हैं कि जर्मन के इंजन बहुत अच्छे होते हैं शुरू से ही जी। और क्वालिटी बहुत अच्छा होता है प्लस इनका जो है सो आफ्टर सेल सर्विस में बहुत सपोर्ट है राइट रेगुलर जो है सो so, इनका मतलब डेमो वैन्स वगैरह भी उपलब्ध होते हैं जी प्लस ये आफ्टर सेल किसी प्रोडक्ट का स्पेयर पार्ट जो है ना ये दस साल तक देने का कमिटमेंट करते हैं दस साल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वाओ तो यानी कि आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है जिसमें जैसा आपने कहा डेमो वैन्स हैं तो ये डेमो वैन्स जो है ये लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो वैन्स उन तक पहुंच जाएगी कैसे हाँ हम लोग जैसे अगर किसी को इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट के बारे में चाहिए डेमो चाहिए तो हमारा बंदा हमारा टेक्नीशियन प्रोडक्ट लेके जाता है उनको डेमो दिखाता है जी। और उनको पसंद आता है तो वो मशीन जो है सो परचेज करते हैं लेकिन जैसे ग्रुप्स में में ब्लॉक्स हम जैसे जी महिलाओं के साथ काम करते हैं जी। तो ब्लॉक वाइज भी हम लोग जो है सो डेमो करवाते हैं उसमें हम डेमो वैन भेजते हैं महिलाओं को खुद से चला के देखने का भी ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप प्रोडक्ट को यूज करके देखिए कि यूज करने में कितना इजी है बिल्कुल बिल्कुल तो स्टील जो है वो कंटिन्यूसली जो कृषि है और किसान है दोनों ही आगे बढ़े तो मुझे ये ये बताइए कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के और हमारे किसान कई बार शायद ना समझ पाए तो आप कैसे उनको बताते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे समझाते हैं नहीं देखिये किसान खुद में अपने आप में एक साइंटिस्ट है बिल्कुल और वो हम उससे अच्छा कोई रिसर्च करता नहीं है क्योंकि वो अपना पैसा डाल के रिसर्च करता है खेती में तो किसान हर उस चीज को पकड़ने को रेडी है जिसमें कि उसका बचत हो पैसे का अभी अगर हम देखें जिस हिसाब से कृषि का स्थिति जो बन रखा है लेबर का बहुत कमी है बिल्कुल जिसके चलते हमारे उत्पाद का कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट इज गोइंग हाई यस। उस केस में अगर हम टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और विदाउट टेक्नोलॉजी यू कैनॉट अर्न मोर तो इसलिए स्टील का जैसे अगर हम बात करें अर्थ अगर तो हमारे किसान को हम ये समझाते हैं ये अर्थ अगर जैसे एक एकड़ में अगर आप क्यों भी लत्तरदार पौधा लगाते हैं करेला खीरा कुछ भी तो उसमें करीब करीब 1100 सो गाड़ने पड़ते हैं उसके लत्तर को खड़ा करने के लिए ठीक है उस 1100 सो गाड़ने के लिए 1100 गड्ढे करने पड़ते हैं जी। अगर हम देखेंगे तो एक गड्ढे का मैनुअली करने में खर्च करीब दस रुपए आता है ठीक है पर गड्ढे लेकिन अगर इस अर्थ अगर से हम गड्ढा करते हैं इंक्लूडिंग पेट्रोल इंक्लूडिंग मैन पावर तो इससे जो है सो हम वही गड्ढे को जो है सो तीन रुपए में कर सकते हैं सात रुपए का मुनाफा एक्स्ट्रा यस करेक्ट और ये बहुत है ये अगर दो से ढाई गड्ढे पर आवर में इससे आप कर सकते हैं 200 से 250 सौ गड्ढे मतलब yes. ये गर, ये अर्थ एक मशीन है सर ऐसी और भी मशीनों के बारे बहुत सी मशीने जैसे अगर आप मान लीजिए हम बात करते हैं ये हमारा एफ एस है एफ एस वन ट्वेंटी को हम लोग ब्रश कटर के तौर पे यूज करते हैं ठीक है लेकिन हम यहाँ अपने किसानों को उसको पैडी हार्वेस्टर के तौर पे यूज करने सिखाया है ओके okay. अगर एक किसान एक एकड़ में अगर धान की खेती करता है तो धान की खेती करने के लिए जो है सो उसको जब कटाई करनी पड़ती है तो उसे कम से कम आठ लेबर की जरूरत होती है हाँ हा। और ये आठ लेबर में जो है ना ये उसका ये पार्ट जो है ना ये अगर एड कर देते हैं हम जी। उसमें ब्रश कटर में तो आप इससे पैडी का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं आठ लेबर का मिनिमम खर्च आता है चौबीस सौ रूपये ओके लेकिन अगर हम इससे धान काटते हैं तो हम तीन घंटे में एक एकड़ धान की कटाई कर सकते हैं जिससे कि वो खर्च सीधा घट के जो है सो छह सौ हो जाता है और प्लस जो है सो हमारी महिलाएं जो है ना इसको एस एच जी ग्रुप में आपस में एक दूसरे को शेयर करती हैं एक दूसरा मशीन राइट तो, तो इस तरह मतलब से हम लोग इसको ये करते हैं बने सेल करते हैं दिस इज आवर टेक्निक चूंकि वो किसानों को दिखना चाहिए कि ये मशीन अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें इसका बेनिफिट क्या है बिल्कुल बिल्कुल अर्थ हॉगर के के बारे बारे में में भी भी बता दिए सर और इस मशीन के बारे में भी जो इतना पैसा बचाती है लेकिन ये मशीन क्या है और ये मशीन क्या है देखिए मिस्ट ब्लोअर है देखिये स्प्रे में काम आता है ठीक है जो किसान जब खेती करते हैं ना तो अभी जो वो मैनुअल स्प्रेयर यूज करते हैं तो उसे एक एक बेड में स्प्रे करना पड़ता है लेकिन इस मिस्ट ब्लोअर से अगर स्प्रे करते हैं तो हम एक साथ में पांच पांच सात सात बेड स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें भी उनका टाइम बहुत सेव होता है ठीक है प्लस ये जो है इंटर इंटरकल्टीवेटर है ओके इंटर इंटरकल्टीवेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे ड्रिप के किसानों को है अच्छा ड्रिप का दो बेड के बीच की जो दूरी होती है वो एक फीट होती है और उसमें जब आप देखेंगे तो बरसात में चाहे दूसरे टाइम में बहुत सारे घास हो जाते हैं जी। तो उसमें जो है सो हम इंटर इंटरकल्टिवेटर से उस घास की निकाई गुड़ाई कर देते हैं तो जब हम दवा स्प्रे करते हैं पौधों में तो वो घास वाला जगह अगर साफ रहेगा ना तो वहां पे कीड़े नहीं जाएंगे राइट right. तो इसके बारे में तो पता चल गया लेकिन एक और चीज है जो बिल्कुल कट्टा जैसे लग रही है क्या <laughs> सर ये क्या चीज है है। काफी इंटरेस्टिंग ये बहुत बढ़िया चीज है एज स्टील हमेशा जो है सो परिवर्तन की ओर आगे बढ़ता है जी। और हर साल कुछ नए नए अच्छे प्रोडक्ट यूज लाता है एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट तो ये एक डोमेस्टिक जो है सो चेंसाव है छोटा Okay. जैसे हम जब गार्डन में खेती करते हैं तो छोटे छोटे हमारे जो पौधे होते हैं उनके भी मोटे डाल हो जाते हैं तो वो जब बड़े ब्रश कटर्स नहीं यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं जैसे हमारे आश्रम्स वगैरह में भी लोग इसको गुलाब गुलाब की कटाई के लिए प्लस जो हेज़ेस होते हैं उसकी कटाई के लिए वो सब में ये यूज करते हैं ये बहुत बेनिफिशियल है और बहुत सस्ता भी है तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ फार्मिंग नहीं इसको घर में गार्डनिंग के लिए भी इस इस्तेमाल yes. कर सकता है राइट yes. yes. कर सकते हैं इतनी फैसिनेटिंग चीज है इसे कहते हैं परिवर्तन यार अगर कांस्टेंट परिवर्तन रहेगा तभी उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे सर एक और चीज मैंने देखी जो वैसे तो शायद मुझे समझ में आ रहा है कि क्या है लेकिन अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये स्टील का स्पेशल लुब्रिकेंट है ओके okay. टूटी जो स्टील के इंजनों में डाला जाता है अच्छा इससे हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है right. इसलिए हमारे किसान जो है सो बाहर के किसी मोबिल को ना यूज करके ये स्टील का ही लुब्रिकेंट यूज करते हैं okay. इससे हमारे इसकी लॉन्जिविटी ज्यादा अच्छी मिलती है मशीन की ऑल राइट right. जैसा कि कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है सर्विस क्योंकि आपकी मशीन सिर्फ तभी तक सही चलेगी जब तक कि उसे सही सर्विस मिले और मैंने ये सुना है कि स्टील के ये रिक्वायरमेंट है कि इफ यू आर अ डीलर यू हैव टू हैव अ सर्विस सेंटर मैंने सेटअप यहाँ देखा है तो सेटअप आप भी देखिए और मैं आपकी टीम से भी मिलना चाहूंगी जो यहाँ पे सर्विस करती है ये पूनम कुमारी है ये हमारा स्टील का जो मार्केटिंग है वो यही हैंडल करती है और सी इज वेरी गुड इन मार्केटिंग स्टील प्रोडक्ट टू द वुमेन फार्मर्स एंड द डोमेस्टिक फार्मर एंडरफुल ये सुभाष जी हैं सुभाष जी जो है सो पूरे सर्विस जो भी हमारा प्रोडक्ट्स का सर्विस का रिक्वायरमेंट है वो सुभाष जी हैंडल करते हैं स्टील का वंडरफुल तो हमने यहाँ पे फ्लोराटे की टीम से तो मिल लिया लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कपिल जी कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे निरंतर जैसे कि हमें खेती में तरक्की करना है और निरंतर परिवर्तन लाना है उसके लिए हमें स्टील का सहयोग चाहिए स्टील के निरंतर नए उत्पादों को हमें अपने खेती में यूज़ करना चाहिए और स्टील के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं विश्वसनीय हैं उसकी सर्विस भी आपको हमेशा मिलेगी स्टील के प्रोडक्ट्स के लिए आपको किसी भी तरह के मदद की जरूरत है तो आप नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फ्लोरा टेक में आके रेडियम रोड में हमारे यहाँ हमसे मिल सकते हैं चाहे आपको फील्ड डेमोस्ट्रेशन चाहिए हम ऑन फील्ड डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं तो स्टील का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आप स्टील का प्रोडक्ट एक बार यूज करिए आप उसे बार बार यूज करेंगे धन्यवाद तो बात खेती की चर्चा परिवर्तन की जारी रहेगा और जैसा कि स्टील वाले कहते हैं स्टील के उपकरण परिवर्तन।, परिवर्तन कहते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है जोहार बिग एफ से हमें रांची की राशि और स्टिल प्रेजेंस बात खेती की चर्चा परिवर्तन की हम करने आ गए हैं झारखंड में जहां हमने किसानों से बात की डीलर से बातें कर रहे हैं स्टिल से भी बातें कर रहे हैं कि वो क्या नए परिवर्तन लाकर देश में एग्रीकल्चर को किसानों को आगे उन्नति के पथ पर लेकर जा रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और गेस्ट है चलिए उनसे बातें करते हैं जोहार सर जोहार प्लीज अपना एक बात झारखंड जोहार राशि जी जोहार बिग एफ मैं मृत्युंजय डे मैं जोनल मैनेजर सेल्स ईस्ट स्टील इंडिया में पिछले छह साल से काम कर रहा हूँ तो <coughs> इस कंपनी के बारे में बात इस कंपनी की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है मतलब जो स्ट्रेंथ है यूएसपी है हमारा दैट इज सर्विस एंड क्वालिटी जिसपे हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते राइट अनकम्प्रोमाइज क्वालिटी देते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी देते हैं देखिए हमारी जो कंपनी की शुरुआत जर्मनी से हुई थी वो छब्बीस तो तो की जो लेगेसी है इसको हमें और हजार साल लेके जानी है तो वो एक ही तरीके से हो सकती है कि कस्टमर कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ेगा हमें बेस्ट क्वालिटी देना पड़ेगा वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी मशीन देनी पड़ेंगी एंड उसके साथ आफ्टर सेल्स सर्विस

अभी समय आ रहा है छोटे यंत्रों का बिल्कुल एंड हमारी कंपनी स्टिल जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ शुरू से इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि इसमें केंद्र सरकार की राज्य सरकार की जो मुहिम है कि इसको किसान खेती बाड़ी को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि हमारा जीडीपी डी पी इसी पे डिपेंडेंटली एंड वन स्टेटमेंट आई वांट टू कोट हियर लाइक हमारा जो एग्रीकल्चर हमारा जो कल्चर वो एग्रीकल्चर ही है बिल्कुल अब तो, आब... वो तो हमारे ये कल्चर जो है कल्चर को हम लोग डेवलप कर सकते हैं छोटे मशीनरी से बिल्कुल तो जिसमें हमारा फोकस है

भरोसा से करें क्योंकि ये सौ साल पुरानी कंपनी है जो दो चीज़ों में टिकी हुई है एक है क्वालिटी और दूसरी है आफ्टर सेल सर्विस जो आप हर जगह देख रहे होंगे अपने डीलर लोग सभी मिले होंगे हमारे डीलर जेनुइन स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं जेनुइन सर्विस देते हैं तो आपको सर्विस में कोई भी दिक्कत आएगी हम हैं और हमारी क्वालिटी ऐसा है कि सर्विस में थोड़ा हम लोग मेंटेनेंस में ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि क्वालिटी ऐसा है कि सर्विस इश्यूज कम ही आते हैं इसके अलावा आपको स्टील रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर और वेबसाइट में संपर्क करें स्टील उपकरण अपनाइए परिवर्तन के साथ जीवन में खुशहाली लाइए क्या बात है जैसा कि स्टील वाले कहते हैं स्टील उपकरण ला परिवर्तन, लाए परिवर्तन।